से देखो, जानते हो हमारे पास कुल मिलाकर कितने कार्ड्स हैं? 26. हेलो रेक्स, जोई, टेरी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? टैंक, स्पाइनी भी? अच्छा, तुम सब अब दोस्त बन गए हो? मैं भी तुम सबको ज्वाइन करता हूँ. निकल रहे, हम आपके लिए कितना अल्फा मेटल लाया है. हाँ, बहुत बड़ा पत्थर लाए हो, मगर तुम्हारे दिमाग की तरह ये भी सिर्फ देखने में ही पड़ा है. इसके अंदर तो हमारे काम के लायक कुछ भी नहीं मिलेगा. क्या? कैसे नहीं मिलेगा? मुझे पूरे रिएक्टर कोर को कोट करने के लिए अल्फा मेटल चाहिए, वरना जनरेटर चलेगा ही नहीं. चलो दिखाता हूँ इसके अंदर कितना अल्फा मेटल है. टैंक, अपने पूछ के एक वार से इस पत्थर को तोड़ दो. कभी जिम में इंस्ट्रक्टर भी था. मेरी कमर तो गई. मैं आ रहा हूँ डॉक्टर जी. ओ, बच गए. आप ठीक तो हैं? मैं आपके लिए कुछ कर सकती हूँ डॉक्टर? हाँ, सबसे पहले मेरी दाढ़ी तो छोड़ो. सुनो बच्चों, आज बस इतना ही, कल हम जाएंगे फील्ड ट्रिप पर. हाँ, पर तुम लोग अपने साथ लंच लाना मत भूलना. आज तुम्हें होमवर्क भी नहीं दे रही. ये! तो मिलते हैं ब्रेक के बाद.
कि मुझे बचा लो। हाँ जैसे पहले कहा था। हम उन्हें अल्फा गैंग से तो बचा ही रहे हैं। हाँ बचा तो रहे हैं, मगर उन्हें कार्ड बनाकर रख भी रहे हैं। क्या ये सचमुच उन्हें बचाना है? हाँ वैसे तुम्हारी बात तो सही है दोस्तों। कई उनका मतलब ये तो नहीं है कि हमें खत्म होने से बचा लो। वो तो कई करोड़ साल पहले ही खत्म हो चुके हैं। अब हम क्या कर सकते हैं रेक्स? काश तुम तीनों हमें कुछ बता सकते हैं। बड़े पत्थरों को उठाने से पहले आपको छोटे पत्थर उठाने चाहिए थे। बिल्कुल सही, तुम्हारे दिमाग में भरे रहो निकालने चाहिए। मेरे अल्फा मेटल का क्या हुआ? कुछ देर और सेत और एड उसे रिफाइन करने में जुटे हुए हैं। बढ़िया, रिफाइनिंग का काम तो हो गया। पिछली बार जो मिला था उसे मिलाकर अब हमारे पास इतना अल्फा मेटल है। उतने बड़े पत्थर से बस इतना ही मिला? इतना तो काफी होगा ना डॉक्टर से? बिल्कुल नहीं, और अगर होता भी तो ये रिएक्टर चलाने लायक नहीं है। अभी इसे और साफ करना होगा। हमें इसमें से 100% प्योर अल्फा मेटल निकालना होगा। निकालते हैं। अगर ये काम इतना आसान होता तो मैं अब तक निकाल चुका होता। अल्फा मेटल को रिफाइन करने के लिए पहले तो हमें अपने रिएक्टर की मदद से डायमंड से टेरा एनर्जी बनानी होगी, मगर हम अपना रिएक्टर नहीं चला सकते क्योंकि हमारे पास रिफाइंड अल्फा मेटल नहीं है। और हमें तब तक रिफाइंड अल्फा मेटल नहीं मिलेगा जब तक हमारा रिएक्टर नहीं चलता। समझ में आया? नहीं, पहले कभी आया है क्या? बस बहुत हो गया, क्या कर रहे हो तुम तीनों? अगर तुम मेरा कोई काम नहीं कर सकते तो तुम्हें पालने का क्या फायदा? मैं तो तुम तीनों को सजा भी नहीं दे सकता क्योंकि मेरी कमर मुझे हिलने नहीं दे रही है। हमें क्या करना होगा डॉक्टर जी? जाओ तेरा एनर्जी के सोर्स का पता लगाओ और मेरे पास 100% प्योर अल्फा मेटल लेकर आओ। मुझे तो फील्ड ट्रिप बहुत पसंद है, मजा आता है ना। हम रोज रोज ऐसी चीजें नहीं देख पाते। पता है उस सफेद पिघले लोहे का टेम्परेचर कम से कम 2000 डिग्री होगा। गर्म लावा की तरह? जब हमारी दुनिया बनी होगी तब भी हालात ऐसे ही होंगे, है ना? हाँ, और जब डायनासोर खत्म हुए थे उस वक्त भी रेक्स। तुम्हें इतना दर्द हो रहा है इसलिए तुम्हारी पसंद का खाना लाई हूँ। तुम कभी कभी इंसान बन जाती हो हेल्गा। कोई प्रॉब्लम है क्या? ये क्या बनाया है, खाना या रबर? जो बनाना था वो बना दिया है, अगर पसंद नहीं हो तो मत खाओ डॉक्टर। पर मैं भूखा हूँ। ये क्या है, सैंडर फिर से अपना हेयर ड्रायर चला रहा है क्या? नहीं सेथ है, वो लेबोरेटरी में बिजली से जाने क्या क्या एक्सपेरिमेंट्स कर रहा है। क्या कहा, बिजली से? सेथ तुम वहाँ क्या कर रहे हो? मैंने तो तुम्हें कोई काम नहीं दिया है। मैं इस नए कार्ड को टेस्ट कर रहा हूँ डॉक्टर सी। कौन सा कार्ड? ये तो वेलोसिरेप्टर है। ये डायनासोर तुम्हें कहाँ से मिला? ये डायनासोर मुझे ऑस्ट्रेलिया में मिला था। तुम्हें एक डायनासोर कार्ड मिला और मुझे हवा तक नहीं लगने दी। अब कौन सा एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तुम? ये ट्रायंगुलर क्यों है? देखो अब शुरू होता है इस फील्ड ट्रिप का सबसे मजेदार काम। तुम लोग भी लंच के लिए टेस्टी मेयोनीज और बनाना सैंडविच लाए होगे मेरी तरह। ए, कहाँ गायब हो गए? ऐसे कैसे? लगता है कोई चोर मेरा लंच बॉक्स चुरा ले गया है। बेचारा चोर, उसे खाते उसकी नानी याद आ जाएगी। ये तो घर में ही भूल आई होगी। हाँ? वो क्या है दोस्तों? हाँ? 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 अच्छा क्या ये जगह ठीक है? एक और रिफाइनरी सही है। जैंडर जल्दी से इस जगह पर कब्जा करने के लिए अल्फा ड्रॉइड्स भेजो। लो अभी भेजता हूँ। ये तो रोबोट जेनिटल्स है। ओह नो मिशेल, हमें यहाँ से जाना होगा। जाना होगा क्यों? ठीक है, हमारा फील्ड ट्रिप खत्म होता है। घबराओ मत, किसी को कुछ नहीं होगा। ठीक है चलो भाग लो यहाँ से। इस बार अल्फा गैंग किस चक्कर में है? चलो देखते हैं। क्या लगता है
बताइए अल्फा गैंग वाले कहाँ गए होंगे? वो जरूर फॉरेस्ट की ओर गए होंगे। आहा, पता नहीं ये यहाँ क्या कर रहे हैं। ये बताओ कि हम इसका क्या करना है, इसे फॉरेस्ट में फेंक दें क्या? तुम लीडर हो, जो कहोगी करेंगे। हाँ, फैसला तो तुम्हें ही लेना है। तुम्हारे लीडर का हुक्म है कि तुम इस बात का पता लगाओ, मुझे दूसरे जरूरी काम करने हैं। ये किस बात पर बहस कर रहे हैं? पता नहीं, लग रहा है कि उस आंटी के हाथ में जो गोला है ये लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं। सुन लिया है, वह कौन है? बड़ी अजीब बात है। क्या बात है अरसला, बताओ ना। मैंने सुना कि कोई मुझे आंटी कह रहा है। अजीब बात है, मैंने तो कुछ नहीं सुना। अपनी बेइज्जती तो मैं 100 मील दूर से भी सुन लेती हूँ। तुम मेरी नाक क्यों खा रहे हो मुन्ने? कुछ खो गया क्या? आओ, उसके पास हमारा अल्फा बैठा है। चलो चले जॉम्प, जाओ नहीं अजन जाने मत देना। अल्फा ड्रॉइड्स को भेजो। पेटियों को पकड़ो और अल्फा मेटल वापस लाओ। जल्दी चलो मैक्स, हमें जाना होगा, जल्दी। हाँ चलो। क्या जोई, रेक्स और मैक्स अब तक बस में वापस नहीं आए? तुम लोग यही रुको, मैं अभी उन्हें ढूंढ कर ले आती हूँ। बेचारे बच्चे, शायद वो डर के मारे कहीं छिपे बैठे होंगे और मेरा इंतजार कर रहे होंगे। ये कैसा कार्ड है? मैंने एक नया कार्ड बनाया है जिसमें कई मूव्स एक साथ डाले हैं। एक कार्ड के अंदर कई मूव्स? जी हाँ, मैंने इसे आपके ही पुरानी रिसर्च के आधार पर बनाया है डॉक्टर सी। तो तुम्हारा मतलब है कि ये मल्टी मूव कार्ड मेरी रिसर्च का ही नतीजा है? हा? जी हाँ, आप ये भी कह सकते हैं सर। देखो, तुम्हें ये सब मुझे पूछे बिना नहीं करना चाहिए था, पर अच्छा काम किया है। डॉक्टर, उम्मीद है कि तुमने अल्फा मेटल को रिफाइन कर लिया होगा। हम बस करने ही वाले थे। फिर वही बात, तुम यही कहोगे ना कि मेरे अल्फा मेटल को कुछ हो गया है? ठीक है, तो नहीं कहता हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो मिट्टी फिर आ गए और उन्होंने तुमसे अल्फा मेटल छीन लिया? आपको किसने बताया? मैं जानता हूँ तुम लोग क्या करोगे और मेरा अंदाजा कभी गलत नहीं होता। आप फिक्र मत कीजिए डॉक्टर जी, हम है ना, अल्फा मेटल हम वापस ले आएंगे हर हाल में। वरना सोच लेना, अगर नहीं ले आए तो तुम तीनों को टेरी को खिला दूंगा। ठीक है, याद रखूंगा। निकम्मे कहेंगे। डॉक्टर, मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं खुद ही जाकर अल्फा मेटल की रिफाइनिंग का काम देखूं। क्या तुम वाकई जाना चाहते हो? हाँ, मैं अभी के अभी निकल रहा हूँ। तो तुमने जब बताया तो उन्होंने क्या कहा? बस हमेशा की तरह चिल्लाने लगे। हाँ, ये तो होना ही था, मुझे लगा हमें प्रमोशन मिलेगी। उन्होंने कहा है कि अगर खाली हाथ लौटे ना तो हमें टेरी को खिला देंगे। मैं उन चारों को वो सबक सिखाऊंगी जो वो हमेशा याद रखेंगे। कब तक हमारे पीछे लगे रहेंगे? अब क्या करें? जब तक ये हमारे पास है वो तब तक हमारे पीछा करते रहेंगे। पता नहीं वो इससे क्या करने वाले थे। रेक्स, ज़ोई, तुम लोग कहाँ हो? तुम फिर से आ गई? अरे नहीं। तुम तो वही हो, लंच चुराने वाली आंटी। क्या कहा तुमने? मेरी आंटी की उम्र की होकर मुझे आंटी कहती हो? देखो, झूठ मत बोलो, मुझे तो वो इतनी बूढ़ी भी नहीं लग रही है। तुमसे किसने पूछा? मिशेल, यहाँ रहना ठीक नहीं है। भागो यहाँ से। चलो अपना मेटल वापस ले ले। हम उन्हें डेरी का खाना बनाएंगे, खुद नहीं बनेंगे। Lightning strike! Velociraptor! Critical
मैंने वेलोसिरैप्टर की लाइफ एनर्जी और डीएनए को मॉडिफाई करने का एक तरीका ढूंढ लिया है जिससे मैं किसी भी डायनासोर के मूव का इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो तुम कह सकते हो कि मैंने इसे इवॉल्व किया है। डायनासोर को फाइटर्स बनाना एवोल्यूशन नहीं है, पागलपन है। ये बताओ कि डायनासोर अगर खत्म नहीं होते और आज भी बचे रहते तो? हाँ, तब तो वो शायद इंसान से भी ज्यादा समझदार हो जाते और हम से भी ज्यादा अच्छा सिविलाइजेशन बना लेते। फिर एक दिन ऐसा आता कि इन सबसे ज्यादा ताकतवर डायनासोर भी आ जाता। एक तरह से मैंने तो कुदरत की मदद ही की है। ये सब बेकार की बात है, तुम इस तरह किसी की जिंदगी के साथ कैसे खेल सकते हो? तुम साइंस की इतनी बड़ी बात समझ ही नहीं सकते हो। तुम्हारे जैसे बच्चे ये सब बातें समझ ही नहीं सकते। अब ये भी देखो कि मेरा ये कार्ड क्या कर सकता है। फाइनल फ्यूरी। जो, रुक जाओ। ये चाहिए क्या? अरे नहीं, उन्होंने जोई रेक्स और मिशेल को पकड़ लिया है। चलो अब मेरी बात सुनो, अगर तुम अपने दोस्त और इस आंटी को बचाना चाहते हो तो अल्फा मेटल हमें दे दो। आंटी किसे कह रही हो? नहीं मिलेगा, पकड़ो उसे। अब क्या करें? मुझे नहीं मालूम। तुम मुझे चोम का कार्ड दे दो और मेरे दोस्तों को छोड़ दो, वरना मैं बॉल को फर्नेस में फेंक दूंगा। नहीं फेंकना मत। हाँ वो फेंक देगा। अगर फेंकना चाहता है तो फेंकने दो। क्या? हाँ तुम फेंक दो, बदले में मैं तुम्हें ट्राइसेराटॉप्स कार्ड दे दूंगा और तुम्हारे दोस्तों को भी छोड़ दूंगा। सच्ची? सच कह रहे हो? हाँ ये मेरा वादा है। ओके मैक्स रुक जाओ। इससे पहले कि वो उसे फेंके, मुझे एक बात बताओ, ये अल्फा मेटल क्या है और तुम्हारे लिए इतना जरूरी क्यों है? हाँ बताओ हमें। इससे तुम्हें कोई खतरा नहीं है। अल्फा मेटल एक स्पेशल अलॉय है जिससे हम अपनी मशीन्स और रिएक्टर कोर्स बनाते हैं। इनका डायनासोर से लेना देना नहीं है। जल्दी करो, तुम उसे फर्नेस में फेंक ही दो। फिर ठीक है, ये गया अंदर। मुझे डॉक्टर जी को बताना पड़ेगा। सेंटर, उसे उसका कार्ड दे दो। क्या? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? हाँ मैंने उससे वादा किया है। औसला, तुम अल्फा ड्रॉइड्स को वापस बुला लो और जाकर अल्फा क्राफ्ट में बैठ जाओ। इसका दिमाग तो ठीक है ना? लगता है इसके ऊपर भी डॉक्टर जी का असर होने लगा है। मगर हमें क्या, डर तो उसे ही पड़ेगी। इसका कार्ड दे दो, इन्हें छोड़ो और चलो यहाँ से। ठीक है, दे देता हूँ। ये लो। तुम ठीक तो हो ना चोम? अच्छा हुआ तुम वापस आ गए। अगर तुम लोग अपनी भलाई चाहते हो तो जल्दी से जल्दी यहाँ से निकल जाओ। क्योंकि अब ये आसमान में उड़ने वाली है। मजाक तो नहीं कर रहा था? मुझे तो मामला गड़बड़ लग रहा है। मिशेल, अरे नहीं, तुम लोग यहाँ हो? कुछ हुआ तो नहीं ना तुम्हें? ये तो हमें तुम्हें पूछना चाहिए। चलो अब हम चलते हैं। अब ये किस चक्कर में है? इनसे अच्छाई की तो उम्मीद नहीं कर सकते। चाहते हो जब मैं ब्लास्ट फर्नेस में डायमंड पाउडर डालूंगा तो उससे जबरदस्त एनर्जी पैदा होगी और उससे अल्फा मेटल भी 100% प्योर हो जाएगा।
पूरी रिफाइनरी ही गायब हो गई। अच्छा हुआ कि हम वक्त पर वहाँ से निकल आए, वरना हम भी मारे जाते। कुछ भी हो दोस्तों, हमें उन्हें रोकना ही होगा। हाँ, हम उन्हें रोकेंगे। आज हमने पहली बार एक ट्रायंगुलर वेलोसिराप्टर कार्ड देखा। एक दिन हम उसे अल्फा गैंग से छीन भी लेंगे। अभी हमारे पास 26 कार्ड्स हैं और हम जा ही रहेंगे। In the present, time is twisted upside down. These fossils are colossal.